जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। तहसीलदार समेत तीन रिश्वतखोरों को दबोचा गया है। भिलवाड़ा तहसीलदार लालाराम यादव, दलाल कैलाश जाखड़ और दीपक चौधरी को दबोचा गया है। आपको बता दें कि आरोपियों से 17,37,000 की नकदी बरामद की गई है। भारी मात्रा में जमीन से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए। एसीबी इंटेलिजेंस की सूचना पर चार जगह छापेमारी हुई है। छापे के दौरान दबोचे गए तीनों आरोपी रिश्वत लेन देन के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जमीन संबंधी प्रकरण में रिश्वत लेकर फायदा पहुंचाने का चल रहा था बड़ा खेल। एसीबी डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। तो छापे के दौरान तीन आरोपी दबोचे गए हैं। रिश्वत लेन देन के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादवेंद्र, देखिए रिश्वत लेन देन में तीन आरोपियों को दबोचा गया है। एसीबी डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई है। क्या कुछ है अभी जानकारी मिल पा रही है? जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए आयुषी, एसीबी की जो विंग है, इंटेलिजेंस की जो टीम है, वो लगातार रिश्वतखोरों पर अपनी नजर रखे हुए है। और इसी सूचना के आधार पर इंटेलिजेंस की जो टीम थी उसने चारों जगह छापेमारी की। और ये छापेमारी भीलवाड़ा, इसके अलावा बिजोलिया में मारी गई है। और यहाँ पर तीन लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कार्रवाई हुई है इसमें रिश्वत लेने वाले और साथ में रिश्वत देने वाले दोनों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है, दोनों ही प्रकरण में। और इसमें तीन जो मुख्य अभियुक्त है, जिसमें तहसीलदार हैं लालाराम यादव, इसके अलावा कैलाश जाखड़ जो हैं, जो दलाल है जिसके मार्फत पूरा खेल चल रहा था, और इसके अलावा दीपक चौधरी जो यहाँ पर रिश्वत दे रहा था अपने जमीन संबंधी प्रकरण में सुलझाने के लिए, उसमें फायदा पहुंचाने के लिए, ये जो दलालों के मार्फत जो खेल चल रहा था उसमें इन तीनों को पकड़ाया। और जब इन तीनों के पास जब छापेमारी की एसीबी की टीम ने, तो इनके पास से करीब 17,37,000 रुपए की जो नकदी है वो बरामद हुई है। 5 लाख रुपए की जो नकदी है वो यहाँ पर जो लालाराम यादव है जो तहसीलदार, उससे बरामद हुई है। इसके अलावा 12 लाख रुपए की जो नकदी है वो कैलाश जाखड़ से हुई है। और दीपक चौधरी है जिसने रिश्वत दी थी, जो प्रकरण जो दर्ज हुआ था सबसे पहले, जिसमें एक परिवादी है, उस परिवादी के अकाउंट में, यानी थर्ड पर्सन जो है उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए की जो नकदी थी जो डाली हुई थी, वो ये तहसीलदार ने अपने किसी परिजन थे उसके अकाउंट में ये 3 लाख रुपए की नकदी डाली थी। उसके बाद से एसीबी की जो टीम थी, इंटेलिजेंस की जो विंग थी, वो लगातार अलर्ट थी और इसी पे के मद्देनजर इन तीनों चारों पर नजर रखी हुई थी। और इसी के चलते यहाँ पर एक साथ छापेमारी की गई और उसके बाद इन तीनों का दबोचा गया। फिलहाल जमीनों से प्रकरण से जुड़े हुए जो जितने भी मामले होते थे उसमें लेन देन का जो खेल चल रहा था, इलीगल जो काम होता था, किसी को फायदा पहुंचाने का, जमीन से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनको निस्तारण करने का, उसमें पूरा बड़ा एक खेल चल रहा था। और इसी खेल के चलते यहाँ पर रिश्वत लेने और देने का जो काम था वो यहाँ पर बेकऑफ होकर चल रहा था। और इसी के चलते एसीबी की टीम जो लगातार काफी समय से इन पर नजर रखे हुए थे, और इसी के चलते आज यहाँ पर एसीबी की टीम ने छापेमारी करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल इस कड़ी के अंदर कितने लोग और जुड़े हुए हैं आयुषी, सबका पता लगाने के लिए एसीबी की टीम तीनों को मुख्यालय लाई और यहाँ पर लाने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल जी, शुक्रिया यादवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारी मात्रा में जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। एसीबी इंटेलिजेंस की सूचना पर चार जगह छापेमारी हुई है। एसीबी की मुख्यालय टीम ने एक सूत्र सूचना के आधार पर आज चार जगह पर तलाशी का अभियान चलाया है। हमारे पास ये सूचना आ रही थी कि भीलवाड़ा के तहसीलदार लालाराम यादव जमीनों से संबंधित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों को अवैध फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग करते थे, और एक कैलाश धाकड़ करके दलाल है उसके मार्फत रिश्वत लेते थे। हमारी टीम ने निगरानी रखी उन पर, और इसी निगरानी के दौरान पता चला कि तहसीलदार जी ने अपने किसी निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपए एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए, और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज चार जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं, और कैलाश धाकड़ जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजोलिया में रहते हुए, उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं। और जो व्यक्ति जिसने अपने प्रकरण में रिश्वत दी थी, दीपक चौधरी, उनके यहाँ भी तलाशी चल रही है।
इस प्रकार ये एक सूचना आधारित एक प्रकरण है जिसको कि हमारे डीजी साहब मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस कार्रवाई में कोई कंप्लेनेंट हमारे पास नहीं आया था, ये पूरी कार्रवाई हमारे इंटेलिजेंस विभाग द्वारा डेवलप की गई है, जिसमें जो रिश्वत देने वाला है, दलाल है और सरकारी कर्मचारी है, तीनों को अरेस्ट किया गया है। हाल ही में जो जयपुर में जो नगर निगम में कुछ अरेस्ट हुए थे उसमें भी ऐसी कार्रवाई थी जिसमें देने वाला और पैसे लेने वाले दोनों को अरेस्ट किया गया। हम यही अपील करते हैं कि जो जहाँ जहाँ भी पब्लिक को इस तरह की सूचना मिले कि जहाँ इस तरह के बड़े रैकेट्स चल रहे हैं, जहाँ सरकारी कर्मचारी और दलाल और कुछ लोग अपने खुद के फायदे के लिए बड़ा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनकी सूचना हमें 1064 पे दे या अपने संबंधित नज़दीक चौकी पर।